लगातार ये जो हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये सुरक्षा बल पुलिसकर्मी हालात को काबू में करते हुए, क्योंकि उपद्रवी लगातार इकट्ठे हो रहे हैं, अलग अलग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है, इन्हीं उपद्रवियों पर किस तरीके से पुलिस शिकंजा कर रही है, ये तस्वीरें देखिए। সেখানে কিন্তু এখন বাইটা এখানে পুলিশ গুলি নিয়ে ছুটছে, এইটা তো শখের রুম করা ছিল, শখের রুম পুলিশ তো ঘর করতে আমাদের ঘর শখের রুম পুলিশ তারা করে হাতে বন্দুক দিয়ে সেখানে কিন্তু এখন বাইটা এখানে পুলিশ গুলি নিয়ে ছুটছে, এইটা তো শখের রুম করা ছিল, শখের রুম পুলিশ তো ঘর করতে আমাদের ঘর শখের রুম পুলিশ তারা করে হাতে বন্দুক দিয়ে সেখানে কিন্তু এখন বাইটা এখানে পুলিশ গুলি নিয়ে ছুটছে, এইটা তো শখের রুম করা ছিল, শখের রুম পুলিশ তো ঘরে করতে আমাদের ঘর শখের রুম পুলিশ তারা করে হাতে বন্দুক দিয়ে। एक बार फिर से चलते हैं रवि दत्ता के पास। रवि, अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं नॉर्थ 24 परगना से, मुर्शिदाबाद से, क्या यही तैयारी थी कुल मिलाकर इतने दिनों से जिसकी चर्चा थी चुनाव को लेकर, और जो अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोगों की मौतें हो रही है, हथियार लहराए जा रहे हैं, बम फेंके जा रहे हैं, क्या यही तैयारी थी? अगर ये तैयारी थी तो फिर इस पर सवाल तो बहुत सारे हैं, क्योंकि समय भी था, कोर्ट के निर्देश भी थे, और फिर भी ये घटनाएं रुकी नहीं। देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी काम कर रहा है। स्ट्रैटेजी ये है कि राज्य सरकार ने पहले कहा था हम स्टेट पुलिस से देके वोट करवाएंगे, लेकिन फिर विपक्ष जो है वो कोर्ट में चला गया, वहाँ पे जाके सेंट्रल फोर्स का जो रिक्वायरमेंट था वो मिला। अब सेंट्रल फोर्स जो अलॉटमेंट हुआ था 850 कंपनी, आया 600 कंपनी। अब 600 कंपनी सेंट्रल फोर्स आने के बाद भी ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर प्रॉब्लम हो रहे हैं, तृणमूल बार बार इसको ही दोहरा रहा है कि सेंट्रल फोर्स ला के एक्स्ट्रा क्या फ़ायदा हुआ। सेंट्रल फोर्स ला के आप ये समझाने की कोशिश के पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लेकिन सेंट्रल फोर्स आने के बाद भी अगर 7-8 लोगों का मौत होता है तो सेंट्रल फोर्स पे सवाल उठता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट है उसको लेके सवाल उठ रहा है। इलेक्शन कमीशन किस तरह सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय कर रहा है, जो 600 कंपनी है वो कहाँ गए, उनको क्यों कोई भी विजुअल्स में उनको नहीं दिख रहा है, कोई भी जगह पे उनका डिप्लॉयमेंट नहीं दिख रहा है। कुमार कुंदन जी सुबह से कह रहे हैं मुर्शिदाबाद में, इस पे राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ कहा है, इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कुछ कहा है कि ये डिप्लॉयमेंट ऐसे कैसे हो गया कि हमें सेंट्रल फोर्सेज या पैरामिलिट्री फोर्सेज उन जगहों पर नजर नहीं आई जहां पर हिंसा हुई। देखिए, ये तो सबसे बड़ी बात है, ये तो राज्यपाल खुद घूम के एक लेटर में इनको मोस्ट सेंसिटिव जो एरिया है वो बता दिए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी 11:30 बजे है, स्टेटमेंट आना बाकी है, हो सकता है 3-4 बजे स्टेटमेंट आ जाए, क्योंकि पंचायत चुनाव ऐसा है रात को 12 बजे 1 बजे तक लोग यहाँ पे खड़े होकर वोट देते, क्योंकि हर किसी को बैलेट में वोट देना पड़ता है, फोल्ड करके पेपर फोल्ड करके वोट देना पड़ता है, और 3-3 वोट देना पड़ता है, तो 1 घंटे में 4-5 लोगों का ही वोट हो पाता है, तो रात को 12 बजे तक लोग यहाँ पे खड़े होकर वोट देते हैं। लेकिन तो इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटमेंट, दो सवाल है। पहला सवाल तो ये कि इतने सारे जवानों की तैनाती के बावजूद जो वोटर्स हैं उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, दहशत के बीच में पोलिंग बूथ सेंटर पे वोटर्स वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो आखिर कैसे वोटिंग होगी आज के इस चुनाव, और वोटिंग की क्या दशा और दिशा देख पा रहे हैं आप? देखिए, जिस तरीके से वोटिंग हो रही है और जिस तरीके से वोटिंग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की बात की गई थी वो सारी जो है कागज़ों पे रही और बिल्कुल नाकाफ़ी रही है। कोई ऐसा ज़िला नहीं बचा है जहाँ पे कि हिंसक घटनाएं नहीं हो रही हैं, और कुछ जगहों पे तो हालात बद से बदतर हैं। निश्चित रूप से चुनाव आयोग इन जगहों पर दोबारा पोलिंग की बात कर रहा होगा या करने की बात कर रहा होगा, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात है कि जो जाने जा रही हैं, जिन लोगों की मौतें हो रही है, उसका जिम्मेवार कौन है?
सेंट्रल फोर्सेस तो आ गई लेकिन उसका डिप्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, वो डीएम के हाथ में होता है। डीएम ये तय करता है कि कौन सा पोलिंग बूथ हाइपर सेंसिटिव है, कौन सा सेंसिटिव है। तो ये सारे लिस्ट किस तरीके से बनाए गए थे, अगर बनाए गए थे तो उस तरीके से डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं हुए थे, कई सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब जो है सबको देना है। लेकिन ये तय है कि अभी दिन के जो है अभी 12 भी नहीं बजे हैं और हत्याओं का दौर जारी है, जो बता रहा है कि चुनाव सही से नहीं हो रहा है। अंजलि कुमार, हमने ये भी तस्वीर देखी कि राज्यपाल खुद पहुंचे एक पोलिंग बूथ सेंटर का जायजा लेने के लिए, सेंट्रल फोर्स भी बुलाया गया, राज्य पुलिस भी है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है राज्य में चुनाव ठीक तरीके से कराना, और साथ ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है। ऐसे में ये जो हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही है, 7 लोगों की अभी तक मौत हो गई है, क्या चुनाव आयोग भी आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है, कुछ स्टेटमेंट जारी करेगा इन हिंसा के बीच? निश्चित रूप से 5 बजे जो है चुनाव खत्म होगा और 5 बजे के बाद जो है चुनाव आयोग एक आधिकारिक बयान जारी करके यह बताने की कोशिश करेगा कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ, पोल संबंधित हिंसक घटनाओं में कितने लोगों की मौत हुई है, क्या हुआ, ये सारी जानकारी चुनाव आयोग देगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटनाएँ हो गई हैं और ये सब फर्स्ट हाफ की बात बता रहे हैं, असली पोलिंग तो 3 बजे के बाद शुरू होता है और क्योंकि बैलेट पे मतदान होता है जैसा रवि बता रहे थे, उस हिसाब से अगर देखें तो मतदान रात के 9 बजे 10 बजे तक भी कुछ कुछ पोलिंग बूथ पे हो सकता है। हमने तस्वीरों में दिखाई थी कि किस तरीके से महिलाओं में वोटिंग को लेकर ज़्यादा उत्साह है, तो इतने धूप में इतनी गर्मी में भी अगर महिलाएं लाइन में लग के वोट दे रही है, वोट डालने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और कई सारे सवाल हैं इलेक्टोरल अरेंजमेंट्स और मैनेजमेंट को लेकर।